वेलकम टू सीईसी लेक्चर्स ऑनलाइन। आई एम अरुणेश द्विवेदी एंड टुडे माय लेक्चर इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रिंट मीडिया इन इंडिया। सो द सब्जेक्ट इज प्रिंट जर्नलिज्म एंड न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री and growth of print media in India. As you know that the first newspaper of India was Bengal Gazette, which is also known as Hikki Gazette. Why this is also known as Hikki Gazette? Because the editor and publisher of this newspaper was James Augustus Hikki, who was an officer of East India Company. So this paper was founded on 29th January 1780 at Kolkata. In that time, Kolkata was known as Calcutta. So you know, this is a very important newspaper. And the tagline of the this newspaper was a weekly political and commercial newspaper open for all parties but influenced by none. इसका अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा साप्ताहिक समाचार पत्र जो सभी पार्टियों के लिए खुला हुआ है, लेकिन प्रभावित वो किसी पार्टी से नहीं है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता का ये ध्येय वाक्य होना चाहिए कि आप की रिपोर्ट पर किसी का प्रभाव ना हो, आपकी रिपोर्ट बायस्ड ना हो, किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की गुणगान ना किया गया हो। जो असली खबर है, जो सच्ची खबर है, आप अपनी रिपोर्ट में सिर्फ वही बताएं। तो ये तो पहले न्यूज़पेपर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगर कुछ और न्यूज़पेपर्स की और पत्र पत्रिकाओं की। सो द सेकेंड न्यूज़पेपर वॉज मद्रास कोरियर एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1785 बाय रिचर्ड जॉनसन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बॉम्बे व्हिच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर व्हिच वॉज पब्लिश फ्रॉम बॉम्बे व्हिच इज नाउ नोन एज ए मुंबई। सो इन बॉम्बे द फर्स्ट न्यूज पेपर वॉज बॉम्बे हेराल्ड and that was published in 1789, and after that Bombay Courier was published in 1789. So we know that the birth city of journalism in India is Kolkata, and after that in metro cities Bombay, Madras and Delhi of course. So various newspaper was founded from all these metro cities. Raja Ram Mohan Rai, who was a great social reformer, and he had recognized the power of journalism, and he had started the first Indian language newspaper, Sambad Kaumudi, in 1822. So you can say that Raja Ram Mohan Rai was a great journalist, and he is also known as the father of Indian language journalism. So this is the very important aspect of Indian journalism. तो राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। हमारे देश में जो सती प्रथा एक जमाने में बहुत बड़ी कुप्रथा थी, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। तो इस कुप्रथा थी, जो समाज में एक बहुत बड़ी एक बुराई थी, इसको दूर करने में राजा राम मोहन राय ने अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता की ताकत को भी पहचाना कि लोगों को जागरूक करने का यह सबसे सशक्त माध्यम है, और तभी उन्होंने बांग्ला भाषा में पहला समाचार पत्र जो निकाला उसका नाम था संबाद कौमुदी, जो कि 1821 में निकाला गया।
इसके बाद 1822 में उन्होंने पर्शियन भाषा में एक दूसरा समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था मिररात उल अखबार। और इसके बाद बॉम्बे की अगर बात करें हम कि बॉम्बे में कौन सा समाचार पत्र निकाला, और ये समाचार पत्र आज तक प्रकाशित हो रहा है। सो दिस न्यूज़पेपर इज नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय फरदौन जी मुरजवान इन 1822 एंड दिस इज अ ग्रेट न्यूज़पेपर एंड दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन गुजराती लैंग्वेज बट नाउ दिस न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट इन 1868 अमृत बाजार पत्रिका, दिस वाज ऑल्सो स्टार्टेड बाई द टू ब्रदर्स शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फैक्ट ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिंदी जर्नलिज्म नाउ। सो द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वाज उदंड मार्तंड, दैट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता एंड दैट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय पंडित युगल किशोर शुक्ल। तो एक बार फिर आप देखिए कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव की बात अगर करें, हिंदी पत्रकारिता के विकास यात्रा की अगर बात करें, तो उसकी शुरुआत किसी हिंदी प्रदेश से नहीं होती है, जिसको नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है, उत्तर भारत, वहां से इसकी शुरुआत नहीं होती है, बल्कि जो पत्रकारिता का बर्थ यानी जन्म भूमि है वो है कलकत्ता यानी कोलकाता। वहां से ही हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की शुरुआत होती है, और पहला जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड था, जिसे पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने निकाला था। सो इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउस ऑफ द कंट्री, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया व्हिच वाज ओरिजिनली कॉल्ड द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, दिस न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड ऑन 4 नवंबर 1838 टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इट वाज ए बाई वीकली न्यूज़पेपर एंड जे ई बर्नेन ही वाज इट्स फर्स्ट एडिटर एंड दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ट्वाइस इन ए वीक। देन दिस पेपर बिकेम अ डेली न्यूज़पेपर इन 1850 टू 51 ड्यूरिंग द एडिटरशिप ऑफ रॉबर्ट नाइट। एंड दैट टाइम द बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड, बॉम्बे टेलीग्राफ एंड द कोरियर, ऑल दीज नेम्स मर्ज टूगेदर एंड अ न्यू नेम वॉज गिवेन एंड दैट नेम वॉज टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1861। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा। लेकिन अगर इसकी इतिहास पर आप जाएं, इसके ग्रोथ को आप देखें, तो ये 4 नवंबर 1838 को स्थापित हुआ था। सप्ताह में 2 बार इसका प्रकाशन होता था और इसमें 4 पेपर थे, बॉम्बे टाइम्स था और बॉम्बे स्टैंडर्ड था, बॉम्बे टेलीग्राफ और कोरियर। तो इन चारों को मिला करके टाइम्स ऑफ इंडिया नाम दिया गया 1861 में। और ये जो सप्ताह में 2 बार छपता था, इसके बाद दैनिक इसका प्रकाशन शुरू हुआ था रॉबर्ट नाइट, जो कि एक बहुत बड़े संपादक रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो है इसका जो है सप्ताह में 2 बार से ये दैनिक इसका प्रकाशन होने लगा। तो ये जो हमने आपको बात बताई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के बात है। अब हम बात करते हैं इसके ग्रोथ की, कि किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा मीडिया समूह है हमारे देश में, इस मीडिया समूह के क्या क्या दूसरे
मीडिया बिजनेसेस हैं। सो यू कैन से वी विल टॉक अबाउट द सिस्टर कंपनीज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। सो नवभारत टाइम्स, दिस इज द हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ऑफ टाइम्स ग्रुप, महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबई मिरर, अहमदाबाद मिरर, पुणे मिरर एंड बंगलौर मिरर, दीज आर द न्यूज़पेपर्स व्हिच इज पब्लिश्ड अंडर द टीओआई ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूज़पेपर्स देयर आर वेरियस मैगजीन्स लाइक फिल्म फेयर। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर अवार्ड। सो द अवार्ड वॉज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ फिल्म फेयर एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाई द फिल्म फेयर मैगजीन। सो फिल्म फेयर मैगजीन, फेमिना, दीज आर द वेरी पॉपुलर मैगजीन्स एंड दीज मैगजीन्स कम्स अंडर द रूफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। तो ये इसकी सिस्टर कंपनीज हैं। प्रिंट मीडिया में ही अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो दूसरे समाचार पत्र हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, नवभारत टाइम्स हो गया, इसके अलावा मुंबई मिरर, अहमदाबाद मिरर, पुणे मिरर, और आप देखते होंगे कि ये जो शहरों पर आधारित या शहरों पर केंद्रित समाचार पत्र हैं, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा फिल्म फेयर मैगजीन, जो कि फिल्मों की एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित पत्रिका है, इसका प्रकाशन भी टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के द्वारा किया जाता है। फेमिना की हमने बात की क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस इंडिया का जो हमारे यहाँ पर हर साल होता है, और तो मिस इंडिया को अब उसका जो टाइटल है वो बदल कर फेमिना मिस इंडिया कर दिया गया है। तो ये जो फेमिना है, फेमिना नाम बेसिकली फेमिना पत्रिका से ही आया है, और इस पत्रिका का प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे ग्रुप की, जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की। तो द हिंदुस्तान टाइम्स वाज स्टार्टेड ऑन 26 सितंबर 1924 एंड दिस न्यूज़पेपर वाज इनॉग्रेटेड बाय द फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी जी। एंड द हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ दिस पब्लिकेशन व्हिच इज नोन एज हिंदुस्तान, सो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 12 अप्रैल 1936। तो इसको हमने आपको ये बताया कि जो दूसरा ग्रुप है हमारे यहाँ पर, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप है, और इस समाचार पत्र का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, अंग्रेजी का समाचार पत्र है, इसका जो है शुरुआत 26 सितंबर 1924 की हुई थी, और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और जो इसका हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है हिंदुस्तान, और उसकी शुरुआत 12 अप्रैल 1936 को हो गई थी। अगर हम सिस्टर कंपनीज की बात करें, जो हिंदुस्तान टाइम्स के सिस्टर कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एचटी ग्रुप ऑल्सो पब्लिशेस टू मैगजीन्स इन हिंदी। द फर्स्ट वन इज कादम्बिनी, दिस इज ए लिटरेचर बेस्ड मैगजीन्स, एंड द अदर वन इज नंदन, व्हिच इज चिल्ड्रन बेस्ड मैगजीन्स। सो कादम्बिनी वाज स्टार्टेड इन 1960 एंड नंदन वाज स्टार्टेड इन 1964। तो दो ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के द्वारा निकाली जाती हैं। इसमें से जो पहली पत्रिका है कादम्बिनी है, जो एक साहित्यिक पत्रिका है, उसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जबकि नंदन, जो कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर इस पत्रिका का जिक्र किया जाता है और बहुत अच्छी पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। वहीं पर बिजनेस न्यूज़पेपर भी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप निकालता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस न्यूज़पेपर मिंट, एंड मिंट न्यूज़पेपर बिगैन इन द कोलाबरेशन विद द वॉल स्ट्रीट जर्नल, व्हिच इज अ वेरी फेमस न्यूज़पेपर ऑफ यूएसए। सो द मिंट पेपर वॉज स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी 2007
1 फरवरी 2007 को मिंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के द्वारा निकाला जाता है, और इसका जो कोलाब्रेशन है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर के साथ में है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का ही रेडियो स्टेशन भी है, जी हाँ, प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन। सो द फीवर 104 मेगाहर्ट्ज़ FM, दिस स्टेशन वॉज लॉन्च्ड बाई हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप इन 2006। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द न्यूज चैनल्स, रेडियो चैनल्स, मैगजीन्स ऑफ दिस फेमस मीडिया हाउसेस। सो अब हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के भी सिस्टर कंपनीज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सिस्टर कंपनीज हैं उसमें से उनके बहुत से रेडियो के भी चैनल्स हैं, टीवी के भी चैनल्स हैं, और शायद यही कारण है कि वो हमारे देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह माना जाता है। तो अगर रेडियो चैनल्स की बात करें तो रेडियो मिर्ची, दिस इज ए वेरी फेमस प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन व्हिच वॉज लॉन्च्ड ऑन 2006 बाय द टाइम्स ग्रुप। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टीवी चैनल्स ऑफ टाइम्स ग्रुप, सो देर आर वेरियस टीवी चैनल्स लाइक जूम टीवी, दिस इज एन एंटरटेनमेंट चैनल, दिस वॉज लॉन्च ऑन 2004। टाइम्स नाउ, दिस इज ए इंग्लिश न्यूज चैनल, लॉन्च ऑन 2006। ईटी नाउ 2009 एंड मिरर नाउ 2015। सो दीज आर द टीवी चैनल्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ग्रोथ हमारी कंट्री में हो रही है, और आज की तारीख में तो टाइम्स का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टाइम्स इंटरनेट, टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर भी उपलब्ध है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप भी उपलब्ध है, और ये सिर्फ टाइम्स ग्रुप के साथ ही नहीं है, लगभग लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने आप को डिजिटल मीडिया के दौर में अपने आप को अपग्रेड किया है। तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर की ग्रोथ है हमारी कंट्री में वो बहुत अच्छी हो रही है, खास तौर पर स्वतंत्रता से पहले के बजाय स्वतंत्रता के बाद में न्यूज़पेपर की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। हालांकि आज के दौर की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर की ग्रोथ थोड़ी सी कम जरूर हुई है, और उसकी शायद वजह है कि डिजिटल मीडिया आ गया है। अब बहुत से जो है डिजिटल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जो हमारा यूथ है वो उनको वहां से न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए शायद वो न्यूज़पेपर खरीद कर नहीं पढ़ना चाहते हैं। और समय के साथ साथ हमारे प्रिंट मीडिया ने भी, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। अब वो भी, उनकी वेबसाइट है, उनका ई पेपर है, सॉफ्ट कॉपी है उस न्यूज़पेपर की, उसको वो पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा उनका ऐप भी है। और इसके अलावा एक अभी हाल ही में रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि भारत में और चाइना में, यानी चीन में, प्रिंट मीडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, जबकि बाकी देशों में प्रिंट मीडिया की ग्रोथ निगेटिव पे जा रही है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि समय के साथ आप चलें, और समय डिजिटल मीडिया का है, डिजिटल कंटेंट का है, तो न्यूज़पेपर को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। सो लेट्स जस्ट रिवाइंड द मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हमारे देश में प्रकाशित हुई हैं, जिनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केसरी और मराठा, ये लोकमान बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले जाते थे। केसरी एक मराठी पत्र था जो कि दैनिक पत्र था, और 1881 में बंबई से इसका प्रकाशन होता था, जबकि जो मराठा न्यूज़पेपर है वो एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, वो भी 1881 में बंबई से निकलता था। और दोनों ही समाचार पत्रों के जो प्रकाशक थे या और संपादक भी थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। उसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट मोर न्यूज़पेपर्स, देन द ट्रिब्यून, दिस वॉज ए वीकली इंग्लिश न्यूज पेपर, एंड दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 फरवरी 1881 फ्रॉम लाहौर बाई सरदार
सरदार दयाल सिंह मजीदिया। तो दयाल सिंह मजीदिया साहब ने लाहौर से 2 फरवरी 1881 से द ट्रिब्यून नाम से एक अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और आज भी ये समाचार पत्र प्रकाशित होता है। हालांकि लाहौर की बजाय अब ये हमारे पंजाब से प्रकाशित होता है। उसी तरह से देयर इज अनदर न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रण। स्वदेश मित्रण न्यूज़पेपर वाज ए तमिल डेली न्यूज़पेपर एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर इन 1882 फ्रॉम मद्रास। मद्रास जिसे आज चेन्नई कहा जाता है, तो चेन्नई से स्वदेश मित्रम नाम से ये एक तमिल भाषा का समाचार पत्र है जिसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक और तमिल भाषा का महत्वपूर्ण पत्र है, वो है युगांतर। युगांतर 1906 में बॉम्बे से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और बरिंदर कुमार घोष ने इसको निकाला था और ये तमिल भाषा में नहीं था, ये आपका जो है इंग्लिश में था। इसके अलावा हमने आपसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बात कर ली, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की बात कर ली और ये दोनों ही बहुत बड़े प्रकाशन समूह हैं आज की तारीख में हमारे देश में। इनका शानदार इतिहास रहा है और अब इन लोगों ने रेडियो में भी, टीवी में भी, डिजिटल मीडिया में भी अपना जो है जो पत्रकारिता की अलख है वो उसको जला रहे हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट सम मोर न्यूज़पेपर हुच वॉज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द फेमस पॉलिटिशियन एंड दे हैव प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एरा। सो द लीडर वॉज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर हुच वॉज स्टार्टेड बाई पंडित मदन मोहन मालवीय एंड दिस वॉज फाउंडेड ऑन 1909, 1909 में निकाला गया था लीडर अखबार इलाहाबाद से, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय साहब ने इसको निकाला था। इन द सेम वे नेशनल हेराल्ड, दिस इज ए इंग्लिश डेली न्यूज पेपर एंड दिस न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वॉज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड दिस न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड फ्रॉम डेली इन 1938। 1938 में इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, नेशनल हेराल्ड। इसके अलावा अ कॉमरेड, कॉमरेड एक इंग्लिश में साप्ताहिक समाचार पत्र था, इलाहाबाद से निकाला जाता था और मौलाना मोहम्मद अली साहब ने इसको निकाला था। अल हिलाल और अल बगा, ये उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1912 में अबुल कलाम आजाद साहब ने इसको निकाला था। इन द सेम वे इंडिपेंडेंट, दिस न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड दिस वॉज ऑल्सो ए वीकली इंग्लिश न्यूज पेपर एंड दिस वॉज फाउंडेड ऑन 1919 एट इलाहाबाद। प्रयागराज से इंडिपेंडेंट नाम का एक अंग्रेजी का समाचार पत्र निकालते थे मोतीलाल नेहरू साहब 1919 में। मूक नायक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर एंड दिस न्यूज पेपर वॉज फाउंडेड बाय भीमराव अंबेडकर इन 1920 फ्रॉम इलाहाबाद। तो आपको पता है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं वो दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने हमारे संविधान की रचना की है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब के अंदर एक सच्चा और जिम्मेदार पत्रकार भी था और ये बात आपको उनके जो पत्र है उन्होंने निकाला था मूक नायक, अगर उसकी पुरानी प्रतियां आपको मिलें तो आप पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर साहब कितने अच्छे पत्रकार थे, उनको उनकी सोच सामाजिक मुद्दों पर कितनी प्रखर थी और सबको जो साथ लेने की प्रक्रिया है उसको मानते थे वो, और खास तौर पर जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को एक मजबूत आधार स्तंभ माना था। और मूक नायक जो ये है, ये हालांकि मराठी में इसका प्रकाशन होता था और ये वीकली समाचार पत्र था।
इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द महात्मा गांधी, हाउ कैन वी फॉरगेट अवर फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी, ही वॉज ए ग्रेट जर्नलिस्ट एंड एडिटर. मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम एज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम हिज वेरियस क्वालिटीज वी कांट इग्नोर हिज जर्नलिस्टिक क्वालिटी. सो महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन, दैट वॉज द फर्स्ट पेपर स्टार्टेड इन 1903 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से 1903 में सबसे पहले इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र निकाला था. आफ्टर दैट ही वॉज फाउंडेड सम मोर पेपर्स लाइक यंग इंडिया इन 1919 एंड देन नवजीवन इन 1929. तो ये नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र थे, पत्रिकाएं थीं जो कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के द्वारा निकाली गई थी. और महात्मा गांधी भी मानते थे कि समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम जो है पत्रकारिता है, बशर्ते पत्रकारिता ईमानदारी से की जाए. पत्रकारिता किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी सरकार के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए, आम जनता के लिए की जाए. एंड एज पर द कोटेशन रिटन बाई महात्मा गांधी ऑन यंग इंडिया, वी हैव टेकन जर्नलिज्म एज द सर्विस ऑफ द नेशन. हमने पत्रकारिता को देश की सेवा के लिए चुना है. सो इसी तरीके से अब हम कुछ और पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो राष्ट्रधर्म, जब नाम ही राष्ट्रधर्म है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये क्रांतिकारी पत्र रहा होगा. और इसकी शुरुआत जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने की थी 1947 में, लखनऊ से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था. पांचजन्य, दिस इज ए हिंदी वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय दीनदयाल उपाध्याय इन 1948. हालांकि जो पांचजन्य है और इसमें जो है आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका ये मुखपत्र भी माना जाता है. इसके अलावा अगर आप बात करें कि कुछ और पत्र हैं जो निकाले गए हैं, जिसमें कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी रहे हैं, और उन्होंने भी अपने जीवन में एक बार पत्रकार की भूमिका निभाई थी. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब ये राष्ट्रधर्म जो कि ये पत्र था, सप्ताह पहले मासिक पत्र था, ये हिंदी में छपता था और इसका प्रकाशन दीनदयाल उपाध्याय साहब ने शुरू किया था 1947 में लखनऊ में. तो एक दौर ऐसा भी आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पत्र का संपादन किया था, वो संपादक रहे. तो इसी तरीके से अगर हम कुछ और न्यूज़पेपर्स की बात करें तो सर्च लाइट, दिस वॉज ए वेरी फेमस न्यूज़पेपर एंड दिस न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज ट्वाइस इन ए वीक एंड दिस वॉज फाउंडेड बाई मुरली मोहन प्रसाद, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन 1918 फ्रॉम पटना. पटना से सर्च लाइट नाम से एक अंग्रेजी में समाचार पत्र का प्रकाशन होता था और ये सप्ताह में दो बार इसका प्रकाशन होता था. और 1930 में इसका जो है रेगुलर यानी दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ और ये जो है मुरली मोहन प्रसाद इसके संपादक रहे हैं, पहले संपादक रहे. सो वीर अर्जुन, दिस न्यूज़पेपर इज ए वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर एंड दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय अनिल नरेंद्र एंड दिस इज ए हिंदी डेली न्यूज पेपर एंड दिस वॉज फाउंडेड ऑन 1954 फ्रॉम न्यू डेली. इन द सेम वे प्रभा कर्मवीर, हिंदी न्यूज पेपर फाउंडेड ऑन 1954 इन डेली बाय माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर हमारे देश में पत्रकारिता का पहला विश्वविद्यालय है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय. तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी एक पत्रकार के रूप में बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं और ये बात उनके पत्र में, जो कि प्रभा एक नाम से पत्र निकालते थे, कर्मवीर नाम से पत्र निकालते थे. और इसके अलावा एक बात ये भी है कि एक दौर पे जो प्रताप अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर में शुरू किया गया था,
उसमें भी कुछ समय बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने संपादक की भूमिका निभाई। दैनिक भास्कर ये बहुत ही लोकप्रिय समाचार पत्र है, भोपाल से इसकी शुरुआत हुई थी, 1958 में शुरुआत की गई थी और ये एक बड़ा पत्र है मध्य प्रदेश का, और अब इसने कई अन्य प्रदेशों से भी अपना प्रकाशन शुरू कर दिया है। उसी तरीके से दैनिक जागरण की अगर हम बात करें तो दैनिक जागरण पत्र जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है, और इस पत्र की स्थापना 1942 में झांसी से हुई और बाद में ये कानपुर में आ गया, और आज की तारीख में ये बहुत बड़ा प्रकाशन समूह है, और इसके भी कई से अन्य पत्रिकाएं भी हैं इस प्रकाशन समूह की, और जो पूर्णचंद्र गुप्ता जी ने इस पत्र का शुरुआत किया था, और इसके अलावा नरेंद्र मोहन जी इसके संपादक भी रहे हैं। तो इस तरीके से दैनिक जागरण की विकास यात्रा शुरू हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया का जो इतिहास है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत विराट इतिहास है। स्वतंत्रता से पहले की बात अगर करें तो स्वतंत्रता से पहले बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे देश की जनता को जागरूक किया गया, अंग्रेजों के जो शासन था उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई गई। तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पत्रकारिता ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर में जो मुख्य मुख्य समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थीं, उनके बारे में बात की है, और इसके बाद आप ये भी देखेंगे स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से प्रिंट मीडिया में और भी ज़्यादा विकास की गति हुई है, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया की जो ग्रोथ है, जो हिस्ट्री है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है, और हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस शानदार विरासत को संभालने की, संवारने की, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। वर्तमान कैसा है ये आप सब जानते ही हैं, तो ये पत्रकारिता खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, भाषाई पत्रकारिता, और ये सब प्रिंट मीडिया के दायरे में आता है। सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया इन इंडिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ न्यूज राइटिंग फॉर द न्यूज पेपर। थैंक यू।